फिलहाल करे ऊपर खिला रहा है, डोजी खिला रहा है, डायरेक्शन 90 डिग्री का डायरेक्शन अगर सही लोगे तो ऊपर के खिलाड़ी का आउट कर पाओगे आप। फेस चेंज कर लिया खिलाड़ी ने, इसलिए नॉट आउट। लूज करवा रहे हैं गेम को, जानबूझ के लूज करवा रहे हैं ताकि एनर्जी कम वेस्ट हो। और ना है अंपायर का इशारा, नॉट आउट है। आप बहस मत करें, धीरे खिला। दो खिलाड़ी पोल पे, सबसे बड़ी कमजोरी पोल पे होती है। सेडर्स का काम पोल पे ले जाने का होता है। अगर पोल रनर इकट्ठे हो रहे हैं पोल पे तो चेजर्स को फायदा हो रहा है, अपना लॉस कर रहे हैं। चेजर्स पोल पे ले जाना चाहते हैं, वो अपने आप जा रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। पोल पे बहुत ज्यादा चांस होते हैं आउट होने के अगर खिलाड़ी अच्छे हो तो। फिर डायरेक्शन चेंज हो गया था, तीन दो की चेन खेल रही है, 90 डिग्री का डायरेक्शन सही नहीं ले पा रहा है ये खिलाड़ी, इस कार से ऊपर नहीं जा पा रहा। अब बिना मतलब का डायरेक्शन लिया है, 90 डिग्री का डायरेक्शन तभी लिया जाता है जब रनर ऊपर हो। और ना पीछे तो आम अच्छा वहाँ लेना, वो तो मालूम है उसका आउट। अंपायर का इशारा आउट, शायद प्रैक्टिस में नहीं है पीजी कॉलेज के खिलाड़ी, क्योंकि श्वास भरा हुआ है इनका बिना रनिंग किए, इसका मतलब प्रैक्टिस में नहीं है। खिलाड़ी रहे हैं लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस में नहीं है, बिना प्रैक्टिस ऐसा ही होता है। डायरेक्शन चेंज का इशारा, 3 मिनट हो गए, 4 बजे, 9 मिनट को ऊपर खिला रहा है। लाइन क्रॉस नहीं करके आया, पोस्ट लाइन क्रॉस नहीं की, इसका फाउल लिया गया। सामने था, अगर डायरेक्शन लेता तो आउट हो सकता, लेकिन नजर नहीं थी तेजर की। तेजर जमीन में देख रहे, तेजर को कभी आगे पीछे खो तो नहीं देख रहे, रनर पे नजर होनी चाहिए, खो तो आपको पीछे से बोलेगा वो, आपकी नजर एक तो रनर पे होनी चाहिए। पीजी कॉलेज के द्वारा अच्छी रनिंग की जा रही है। अंपायर का इशारा आउट, सेकंड बैच तैयार है। अच्छा प्रयास, तीन दो की चेन से लंबा खेले वही गेम है, बाहर टूरिस्ट का गेम है, तभी भी आउट हो सकता है। चल ऐड ना जाए पोल पे,
सेफ गेम, 3-2 की चेन से खेले वही सेफ है। थक चुका है शायद, रिंग खिला रहा है, इसको बोलते हैं रिंग खिलाना। आउट लग गया पेड़ भी इसको रिसीडिंग बोलते हैं। अगर फेस पेड़ हमेशा ही आगे ही रखना होता है, अगर पीछे रख दिया तो फाउल। अभी कोई दिक्कत ना ना, जब पॉइंट पढ़ाएंगे सर, जब दो नंबर चेस्ट नौ फिर तीन बराबरी कर सही कर रहे हैं। अगला मैच सेट हो चुका है, दो का अच्छा प्रयास, चार नंबर चेस्ट वगैरह। अगर ऐसे खेलता रहे तो शायद आउट ही नहीं होगा ये, क्योंकि डिफरेंस के चल रहा है, ये बहुत डिफरेंस है। तेजस की छाया भी नहीं पड़ रही उस पे, इतना डिफरेंस आपके अंदर खेल रहा है। तो सर टाइम इज अप, टाइम हो गो, टाइम और टाइम हो, बढ़िया।